स्वस्थ मन स्वस्थ जीवन. सब्जेक्ट रेलेवेंस ऑफ मेंटल हेल्थ इन डेली लाइफ. हिंदी ट्रैक फॉलोज. स्वस्थ मन स्वस्थ जीवन. स्वस्थ मन स्वस्थ जीवन. दोस्तों नमस्कार. प्रस्तुत है भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द्वारा चलाए जा रहे राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत ये साप्ताहिक कार्यक्रम स्वस्थ मन स्वस्थ जीवन. स्वस्थ मन स्वस्थ जीवन. दोस्तों हर कोई चाहता है कि उसकी जिंदगी में खुशियों के फूल खिलते रहें और उसके जीवन की बगिया सदा महकती रहे. जी हाँ, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हम मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ हों. दोस्तों मानसिक अस्वस्थता के चलते हमारा शारीरिक स्वास्थ्य तो बिगड़ता ही है, साथ ही हमारी पारिवारिक सामाजिक और आर्थिक स्थिति भी प्रभावित होने लगती है. मतलब ये कि हमारी रोजमर्रा जिंदगी की खुशहाली के लिए मानसिक स्वास्थ्य की भूमिका बहुत अहम है. तो इसी सिलसिले में भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत पेश किया जा रहा है ये साप्ताहिक कार्यक्रम स्वस्थ मन स्वस्थ जीवन. स्वस्थ मन स्वस्थ जीवन. दोस्तों कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं समीर और डॉक्टर पूजा. नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ समीर. और मैं हूँ डॉक्टर पूजा. दोस्तों कई अध्ययनों के आधार पर देखा गया है कि भारत में मानसिक रोगियों की संख्या बढ़ रही है. इस बात को ध्यान में रखते हुए मानसिक रोगों के उपचार और काउंसलिंग के लिए जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में उचित व्यवस्था की जा रही है. और साथ ही हम आपको इस कार्यक्रम के जरिए भी मानसिक रोगों और उनके उपचार के बारे में आवश्यक जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं. बिल्कुल. तो दोस्तों हमारा आज का एपिसोड केंद्रित है दैनिक जीवन में मानसिक स्वास्थ्य की प्रासंगिकता पर, यानी रेलेवेंस ऑफ मेंटल हेल्थ इन डेली लिविंग. तो चलिए शुरू करते हैं ये कार्यक्रम आपके मेरे और डॉक्टर पूजा के साथ. स्वस्थ मन स्वस्थ जीवन. अरे क्या समीर, ऐसे क्या देख रहे हो भाई? मैं ये देख रहा हूँ डॉक्टर पूजा कि आप हमेशा खिली खिली सी दिखाई देती हैं, ऐसे जैसे कोई तनाव कोई टेंशन है ही नहीं आपको. क्या है समीर कि मैं अपने मन को जरा शांत रखने की कोशिश करती हूँ. ओहो, वो कैसे? कुछ टिप्स मुझे भी दे दीजिए डॉक्टर साहब प्लीज. आसान है समीर. सुबह 5-7 मिनट तक खूब हंसती हूँ, कहे लगाती हूँ. अच्छा. फिर आधा घंटा एक्सरसाइज और मेडिटेशन करती हूँ. खाने में बाकायदा संतुलित भोजन, दूध दही फल वगैरह लेती हूँ. बस इसी से मन शांत और प्रफुल्लित बना रहता है. भाई वाह, काफी सिंपल टिप्स हैं. कल से मैं भी ट्राई करूंगा. गुड बॉय. खुश रहेंगे तो टेंशन से भी बचे रहेंगे. भाई टेंशन यानी तनाव तो आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए खतरा बन रहा है, जो हमारे दैनिक जीवन यानी रोजमर्रा की जिंदगी पर बुरा असर डालता है. क्यों डॉक्टर पूजा? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप. तो डॉक्टर पूजा, एक मनोविशेषज्ञ होने के नाते इस विषय पर आज आप हमारे श्रोता दोस्तों को क्या बताना चाहेंगी? समीर, तनाव मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता. बिल्कुल. लेकिन तनाव को कम करना या तनाव से बचाव करना ऐसी कोई मुश्किल बात नहीं है जो हम कर ना सकें. जरूरत पड़े तो इसके लिए डॉक्टरी इलाज भी कराया जा सकता है. ये भी याद रहे कि मानसिक बीमारी केवल तनाव से ही नहीं होती, इसके कई और कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि बायोलॉजिकल कारण. अच्छा, अगर कोई इसमें लापरवाही करता रहे तो उसका मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ सकता है. हाँ. और व्यक्ति मानसिक रोग से भी ग्रस्त हो सकता है. वैसे मैं बता दूं कि मानसिक रोग किसी को भी और कभी भी हो सकता है. समीर, मानसिक रोग कई प्रकार के होते हैं और इनके कारण भी अनेक होते हैं. डॉक्टर पूजा ये बताइए कि ये मानसिक रोग होता क्या है? देखो आम भाषा में कहें तो किसी का दिमाग ठीक से काम न करना, यानी वो व्यक्ति ठीक से सोच समझ नहीं पाता, असामान्य हरकतें करता है, अत्यधिक तनाव परेशानी या उदासी महसूस करता है, समाज में उसका व्यवहार अजीबोगरीब है, तो ऐसा व्यक्ति मनोरोगी हो सकता है. अच्छा. और कुछ मनोरोग कॉमन होते हैं,
जैसे कि डिप्रेशन और एंजाइटी डिसऑर्डर्स। कुछ मनोरोग गंभीर किस्म के होते हैं जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया और बाइपोलर डिसऑर्डर्स। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि लगभग हर मानसिक रोग का डॉक्टरी उपचार किया जा सकता है। अच्छा, यहाँ मैं अपना एक अनुभव शेयर करना चाहूंगी। जी डॉक्टर पूजा, जरूर बताएं। कुछ समय पहले मैं एक एनजीओ के साथ मेंटल हेल्थ कैंप में काम कर रही थी। एक दिन की बात है। मोहन जी, मैम रघुदास की हालत कैसी है? मैम अब वो काफी ठीक है, सुबह से शांत है और दवा भी लेने लगा है। गुड, ऐसे ही इलाज करता रहे तो बहुत जल्द उसकी मानसिक हालत ठीक हो जाएगी जी, और वो अपनी जिम्मेदारी संभालने लगेगा। डॉक्टर जी, अरे अरे डॉक्टर जी, क्या हुआ क्या हुआ? कौन है आप और इतने घबराए हुए क्यों हैं? डॉक्टर जी, मेरा नाम अमरचंद है, मेरी बहन रजनी को बचा लीजिए। अरे भाई ठीक से बताओ, क्या हुआ तुम्हारी बहन को? जी 5-6 दिन हो गए, उसके ससुराल वाले उसे हमारे यहाँ छोड़ गए थे। कहने लगे ये पागल हो गई है, सबको गालियाँ देती है, कपड़े फाड़ने लगती है। अब कहाँ है आपकी बहन? जी हमारे घर में है, हम सब बहुत परेशान है डॉक्टर जी। शांत हो जाओ भाई, शांत हो जाओ। मैम अब क्या करें? मोहन, हमें फौरन रजनी के पास चलना चाहिए। जी मैम। आइए डॉक्टर जी आइए, रजनी इसी कमरे में है। अच्छा। मैं दरवाजा खोलता हूँ। अंदर तो घुप अंधेरा है। अरे भैया जरा रोशनी तो करो। जी बिजली नहीं है। ओहो, तो खिड़की खोलो ना। हाँ जी अभी खोलता हूँ। रजनी कौन तू? आ गई, आ गई तू? क्या करने आई है? क्या लगती है मेरी, क्या लगती है मेरी? देख देख वहीं खड़ी रह, पास बताना। शांत हो जाओ रजनी, शांत हो जाओ, मैं तुम्हारी सहेली हूँ। सहेली? सहेली कौन? हाँ क्या नाम है? पूजा, पूजा नाम है मेरा। अमरचंद जी, डॉक्टर साहब रजनी बहुत कमजोर हो गई है, इसे कैंप में भर्ती कराना होगा, वहाँ मैं इसकी जांच और इलाज करूँगी। समीर, जब मैंने पहली बार रजनी को देखा तो उसकी हालत वाकई बहुत खराब थी। उसके बाद क्या हुआ डॉक्टर पूजा? मेरे विचार में रजनी को अस्पताल में बाकायदा इलाज की जरूरत थी जी। तो हमने उसे अस्पताल भेजा जहां उसका इलाज शुरू हो गया। अच्छा। और करीब 1 महीने के इलाज से ही उसकी मानसिक हालत में काफी सुधार आ गया। हाँ। और आज तो वो बिल्कुल सामान्य है। वेरी गुड, तो उसे हुआ क्या था? दरअसल रजनी अपना मानसिक संतुलन खो चुकी थी। इसकी कोई खास वजह? सीनियर सेकेंडरी की बोर्ड परीक्षा के दौरान वो अच्छी पढ़ाई ना कर पाई। परिवार वाले बचपन से ही उसके साथ भेदभाव करते रहे थे। बाद में जब उसकी शादी कर दी गई तो वो ससुराल के माहौल में खुद को ढाल नहीं पाई, और इन सारी घटनाओं का उसके मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ा, और एक दिन वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठी। लेकिन डॉक्टर पूजा, इलाज से वो ठीक तो हो गई ना? बिल्कुल। अच्छा, तो आजकल रजनी कहाँ है और क्या कर रही है? संयोग से 10-12 दिन पहले ही मैं उससे मिली। हाँ। वो काफी खुश लग रही थी। अच्छा। हाँ। अरे रजनी, आप डॉक्टर जी आप? अरे अरे क्या कर रही हो? मना किया था ना, मेरे पाँव मत छूना। डॉक्टर जी आप तो मेरे लिए भगवान है, सबने मुझे धुतकारा लेकिन आपने मुझे अपनी सहेली माना और अस्पताल में मेरा इलाज कराया। उसी इलाज से ही तो मैं ठीक हुई हूँ, वरना लोगों ने तो यही समझ लिया था कि मेरा मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। रजनी, ये दरअसल लोगों में समझ की कमी है। मानसिक संतुलन बिगड़ना भी दूसरी बीमारियों जैसा ही एक रोग है जो इलाज से ठीक हो सकता है, इसलिए ऐसे व्यक्ति को नजदीकी जिला अस्पताल या मेडिकल कॉलेज में विशेषज्ञ द्वारा जांच के लिए ले जाना चाहिए। ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई डॉक्टर जी, मैं इसका ख्याल जरूर रखूंगी और अगर किसी को जरूरत पड़े तो उसकी मदद भी करूंगी। वेरी गुड। अच्छा ये बताओ, आजकल कहाँ हो और क्या कर रही हो? डॉक्टर जी जब मैं ठीक हो गई तो मुझे एक एनजीओ ने 8,000 रुपए दिए और एक दुकान खुलवा दी। दुकान ठीक ठाक चल रही है और अब कोई मुझे पागल भी नहीं कहता। बहुत 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 खुशी हुई ये जानकर। हाँ, और सबसे बढ़िया बात ये हुई कि मेरे पति मुझे वापस ससुराल ले गए। हाँ। और अब मेरा पारिवारिक जीवन भी सही से चल रहा है डॉक्टर जी। चलो तो इसी बात पर गले लगो जल्दी। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, ख्वाब के तीनों को
दोस्तों सुना आपने, मानसिक संतुलन खो चुकी रजनी डॉक्टर के उपचार से न सिर्फ स्वस्थ हो गई बल्कि अपना रोजगार करते हुए अपने परिवार के साथ सामान्य जीवन भी जीने लगी। दोस्तों जैसा मैंने पहले कहा कि मानसिक रोग किसी को भी हो सकता है, तो इसके बारे में कुछ जानकारी हम सबको होनी चाहिए जी। और ये बात हम अच्छी तरह समझ लें कि आज हर मानसिक रोग का इलाज हो सकता है। मानसिक रोग से ग्रस्त व्यक्ति उपचार के साथ साथ परिवार और दोस्तों के प्यार और सहारे की बदौलत सुकून भरा और उपयोगी जीवन जी सकता है। डॉक्टर पूजा, मानसिक रोग का संकेत देने वाले क्या कोई लक्षण सिम्टम्स भी होते हैं, यानी कब किसी को डॉक्टर से सहायता लेनी चाहिए? समीर, इसके बारे में कुछ बातें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि किसी व्यक्ति को स्पष्ट रूप से सोचने और डेली रूटीन के काम करने में मुश्किल होती हो, बार बार और गलत या बेतुके विचार आते हों, आदतों, इच्छाओं और एकाग्रता में अचानक परिवर्तन मालूम हो, वैसी चीजों को देखना और सुनना जो आसपास मौजूद ना हो, आत्महत्या का विचार बार बार आए या कोई आत्महत्या जैसा आचरण करे, ठीक, क्रोध, भय, चिंता, अपराध बोध या उदासी या अत्यधिक खुशी लगातार महसूस हो, जी, जी। डॉक्टर की सलाह के बिना दवाएं लेना या शराब या तंबाकू का बहुत ज्यादा सेवन करना, जैसी कुछ बातें हैं जो अगर किसी में नजर आए तो बिना देर किए निकट के जिला अस्पताल या मेडिकल कॉलेज में विशेषज्ञ द्वारा जांच के लिए जाएं। तो दोस्तों हमने जाना कि मानसिक स्वास्थ्य का हमारी रोजमर्रा जिंदगी में बहुत बड़ा महत्व है। जी हाँ, इसे अनदेखा न करें और इसके प्रति सचेत रहते हुए जरूरत पड़ने पर मनोचिकित्सक से परामर्श अवश्य करें ताकि हम सबके जीवन की बगिया सदा महकती रहे। जी दोस्तों, ये था हमारा आज का एपिसोड और विषय था मानसिक स्वास्थ्य की प्रासंगिकता। दोस्तों हमारा आपसे अनुरोध है कि इस कार्यक्रम के बारे में आप अपने विचार और सुझाव हमें अवश्य भेजें। अधिक जानकारी के लिए आप स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को भी लिख सकते हैं। भाई अब एक जरूरी सूचना, दोस्तों आप चाहें तो आप भी हमारे साथ इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं और इसके लिए आपको आज के विषय पर एक बढ़िया सा दिल को छू लेने वाला स्लोगन लिखकर हमें भेजना है। और जो सबसे अच्छा स्लोगन होगा उसे भेजने वाले के नाम के साथ पढ़कर सुनाया जाएगा। बिल्कुल, और दोस्तों स्लोगन भेजने के लिए आपके पास आज से 7 दिन का टाइम है, तो बस सोचना शुरू कीजिए और जल्दी से जल्दी अपना स्लोगन हमें भेजिए हमारे इस पते पर। स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली 110108। दोस्तों आप अपने स्लोगन हमें ईमेल द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है मन स्वस्थ, दैट इज manswasth@gmail.com। जी दोस्तों, ये कार्यक्रम आप तक पहुंचा भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सौजन्य से। तो अब दीजिए इजाजत, मिलेंगे अगले हफ्ते, तब तक के लिए नमस्कार। नई हवा ने देखो ये हमको किया इशारा है, जियो जिंदगी मन से ये जीवन तुम्हारा है। भविष्य भी तब संवरेगा वर्तमान को जब हम संवारेंगे। मानसिक रोगों से हम सबने अब करना किनारा है, नई हवा ने देखो ये हमको किया इशारा है, जियो जिंदगी मन से ये जीवन तुम्हारा है।